तो स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर के एक नए वीडियो में। ये यामाहा की क्रक्स है, देख रहे हैं इसका कार्बोरेटर हमने खोल के रखा है। प्रॉब्लम क्या था इसमें कि ये माइलेज बहुत कम दे रही थी, मतलब कि 12-13 की माइलेज दे रही थी और इसका कार्बोरेटर पूरा ख़राब हो गया था। ये इसका कार्बोरेटर है, इसका कार्बोरेटर बिल्कुल ख़राब हो गया है और पूरा ब्लैक स्मोक कर रहा था, मतलब पेट्रोल बहुत ज़्यादा जा रहा था और पेट्रोल उतना जला नहीं पा रहे थे। गाड़ी बहुत मिसिंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा भदभदा रही थी गाड़ी। तो क्या करेंगे हम, क्रक्स का छोड़ कर इसमें हम दूसरा स्प्लेंडर का कार्बोरेटर डालेंगे। ये स्प्लेंडर कार्बोरेटर है, देख रहे हैं, और जो इसका फ्लैंच है जिसमें कार्बोरेटर टाइट होता है वो आपका क्रक्स का ही लगा हुआ है। हल्का सा हमने दोनों साइड से कटिंग किया हुआ है, कटिंग करके ये दोनों कटिंग करके बोल्ट हमने लगाया है। ये दोनों साइड वाशर देकर 10 नंबर बोल्ट देकर हमने इसे टाइट किया है और इसे हम लगाएंगे क्रक्स में। ये सारा चीज़ फिटिंग है, पैकिंग वगैरह देकर हम इसे फिटिंग कर चुके हैं और इसे हम क्रक्स में फिटिंग करेंगे। क्योंकि जिनका बाइक है वो माइलेज से परेशान थे, बस इसे हमें लगा देना है 2 बोल्ट और बाकी सारा चीज़ हमने कंप्लीट करके रखा है। और हॉर्स पाइप इसमें हम दूसरा लगाएंगे, हॉर्स रबर पीछे का, और ये इसका स्लाइड है पुराना वाला और ये नया वाला स्लाइड हमने डाला है स्प्लेंडर का। स्लाइड डालने के लिए क्या किया हमने, केसिंग में एक लोहे की पत्ती बनी हुई रहती ये वाली, तो इसे हमने कटिंग करके बाहर निकाल दिया और आसानी से इसका स्प्लेंडर का हमें स्लाइड लग गया। ये लोहे की जो बोल्ट लगी हुई थी बूस वाली, इसे हमने काट कर बाहर निकाल दिया और ये आराम से लग गई। मतलब कि तार में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमें ये निकालना पड़ा और निकालने के बाद ये लग गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम फिटिंग करेंगे। तो इसे हम स्प्लेंडर वाली कार्बोरेटर को हम इसमें टाइट करेंगे इंजन में, इसे हम टाइट कर लेंगे इस जगह पे और टाइट करने के बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैं पहले भी लगा चुका हूँ इसलिए मुझे पता है कि बहुत अच्छी चलती है और बहुत अच्छी माइलेज भी देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फर्स्ट टाइम मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो इससे हॉर्स रबर को हम ये चेंज करेंगे, पीछे वाला दूसरा लगाएंगे। मैं सॉकर वाली रबर लगा देता हूँ इसमें, जो कि बड़ी होती है, ज़रूरत के अनुसार हमने काट भी लेते हैं उसे। तो चलिए हम इसे फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ टाइट कर लेते हैं बोल्ट को। तो ये हमने बोल्ट को टाइट कर लिया है और देख रहे हैं पीछे हॉर्स रबर भी हमने लगाया है, सॉकर वाली रबर है, ये सॉकर का बूट, सॉकर वाली बूट है और ये बिल्कुल फिटिंग हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लाइड वगैरह सारा चीज़ सही है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, कहीं से लीकेज भी नहीं होगी, क्योंकि हमने इसका फ्लैंचा में पैकिंग वगैरह भी डाल दिया है। और अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। इधर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका चौक है, चौक का जो लीवर है ये टूटा हुआ, क्योंकि मैं ये कार्बोरेटर सेकेंड हैंड लगाया हूँ, 500 रुपये में कार्बोरेटर लेकर आया था। तो ये मैं कार्बोरेटर लगा रहा हूँ क्योंकि इनका काम 500 से 600 में इनका काम हो जाएगा, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। तो इसे अब हम स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं, सारा चीज़ कंप्लीट है, बाद में मैं चौक लीवर भी लगा दूंगा। ये स्टार्ट हो गई, बिल्कुल तुरंत स्टार्ट हो गई और इसका जो पहले था कि बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग ट्रबल करती थी, 20-25 किक से पहले स्टार्टिंग नहीं होती थी और पेट्रोल तो इतना ज़्यादा खाता था कि मत बोलिए। तो जिनका बाइक था वो परेशान थे और वो उनके पास उनका इतना पैसा भी नहीं था कि वो दूसरा गाड़ी परचेज कर सके। तो पुरानी गाड़ी है, लोकल में चलते हैं, ये गाड़ी करीब 20 साल पुरानी है, 20-30 साल पुरानी है, 2001 या 2002 मॉडल है। उसके बाद 5-6 के बाद तो ट्रक्स आना ही बंद हो गया। तो ये देख रहे हैं ये बिल्कुल सही हो गया, प्लग हमने नया डाला है, इसका प्लग बार बार शॉर्ट कर जाता था 2 से 3 दिन में, क्योंकि माइलेज अगर कम देगी आपकी गाड़ी तो प्लग बार बार शॉर्ट होगी। तो इसका प्लग भी अब शॉर्ट नहीं होगा और मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसे ट्रायल लेंगे, इसे चला कर चेक करेंगे, उसके बाद जिनकी गाड़ी है उन्हें मैं डिलीवर कर दूंगा और उसके बाद वो माइलेज हमें चेक करके बताएंगे कि माइलेज कैसा दे रहा है। मैं पहले जिन बाइकों में लगा चुका हूँ 60+ माइलेज दे रहा है उनका, लोकल में 56-57-58 की माइलेज देती है और पेट्रोल को जो इतना दाम बढ़ गया है तो पॉसिबल नहीं है कि इन भाइयों को ज़्यादा कम माइलेज देने वाली गाड़ी चलाने का। जो रोज़मर्रा के काम करते हैं उन्हें तो एकदम ही पॉसिबल नहीं है, कि जो रोज़ थोड़ा बहुत पैसे कमाते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है गाड़ी। अच्छा चलिए मैं इसका ट्रायल ले लेता हूँ, अब मैं इसका ट्रायल ले लूँगा, उसके बाद ट्रायल लेने के बाद गाड़ी मैं कल डिलीवर कर दूँगा। ये 2 दिन से हमारे पास गाड़ी खड़ी थी कार्बोरेटर के लिए,
तो कार्बोरेटर मैं खरीद के लाया, उसके बाद में फिर इसमें लगाया। देख रहे हैं कितनी पुरानी गाड़ी है, बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ी है। इसका टैंक वगैरह चेंज किया हुआ है, टैंक दूसरा लगा हुआ है। इसका मीटर वगैरह का हाल देख रहे हैं आप, और पिकअप वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर हम ये कार्बोरेटर लगाएंगे तो। माइलेज तो अच्छा होगा ही और पिकअप भी अच्छा हो जाएगा, साउंड वगैरह भी भदभदाने का सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।